आप देख रहे हैं विंध्य प्रदेश न्यूज 24। मैं आपके साथ मनीष। तो रीवा जिले में टीकाकरण का उत्सव शुरू हो गया है। तो यह एक कोरोना वायरस जंग की नई शुरुआत है। तो खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के रीवा से बता रहे हैं, जहां रीवा में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी के साथ कराया जा रहा है। टीकाकरण उत्सव की आज से शुरुआत की गई है। आगे रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आयोजित होने वाले अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी 4 दिवसीय टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। रीवा जिले में भी करीब 90 बूथ बनाकर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। 14 अप्रैल तक आयोजित होने वाले टीकाकरण उत्सव में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण कराने की भी अपील की है। आइए खबर को देखते हैं विस्तार से। स्वास्थ्य प्रारंभ होगा, किस तरह की तैयारी की गई है जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग? जैसे कि हमारी ना आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार 11 तारीख से 14 तारीख तक है ना, हम लोगों का टीका उत्सव है ना मनाया जाना है। उस हिसाब से हमारी 90 सेंटर्स के ऊपर है ना रीवा जिले में आज टीकाकरण के लिए ना सेंटर्स बनाए गए हैं। रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी, छोटे छोटे कस्बा भी हम लोग ने इस बार है ना कवर किए हैं। हमारे लिए रोज़ का है ना टारगेट है 16,500 डोसेस। हमारी पूरा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, हमारी ना पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, नगर निगम, लोकल बॉडीज, सभी लोग है ना मोबिलाइज है। आज संडे हैं बट सभी लोग आज फील्ड में हैं, सारे लोगों को टीकाकरण के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं। हम लोग लगातार है ना हमारे टारगेट्स को अचीव करते आ रहे हैं। नेक्स्ट 4 डेज भी हम लोग इस टारगेट को अचीव करेंगे। वैक्सीन प्रॉपर है अपने पास? हाँ, अभी हमारे पास है ना अराउंड 62,000 डोसेस है ना कल रात में मिली है, और पहले से हमारे पास है ना 5,000 है ना डोसेस थे, अभी पर्याप्त डोसेस है हमारे पास। जिस तरह से कोरोना का डर था, लेकिन जो आने वाले लोग उतना उत्साह से नहीं आ रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है, इसके पीछे नहीं ऐसे नहीं है कि यू नो डेफिनेटली आ रहा है, अदरवाइज जस्ट है ना लोगों को ना मोबिलाइज करना पड़ता है। लोग उत्साहित भी हैं, जगह जगह हम लोग ने शिविर भी लगाया जा रहा है। रूरल एरियाज़ में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रही है, अर्बन एरियाज़ में डेफिनेटली है ना प्रॉब्लम है, उसको ज़्यादा मोबिलाइज करने के लिए ना एफर्ट्स ना लगाना पड़ रहा है। कुछ लोग है ना रूमर्स भी है ना फैला रहे हैं कोरोना के लेकर, उस रूमर्स को हम लोग है ना उसका भी हम लोग उनको बता रहे हैं कि ये रूमर्स है ना सारे गलत है, वैक्सीन है ना पूरी तरीके से सेफ़ है। एक सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हैं, मतलब है ना वैक्सीन डालने से हमको है ना कुछ ना ऐसा कोई ना चीज़ नहीं हुई है, वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ़ है। सो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन को लेकर सर पलायन एक बार मजदूरों का वापस फिर से चालू हो गया, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, जैसे इनकी अगर रजिस्ट्री कैसे मेंटेन की जाएगी अगर आप भी जा रहे हैं तो? नहीं, सभी पंचायतों को ये निर्देशित किया गया है, इवन वार्ड प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है कि कितने भी लोग है ना बाहर से आते हैं उनका है ना पूरा डिटेल्स, प्रवासी मजदूर और कोई भी व्यक्ति, उनका है ना डिटेल्स है ना मेंटेन करना है। उनके पास घर पे फैसिलिटी है तो 7 दिन का है ना क्वारंटाइन कराना है, नहीं है तो इवन आंगनवाड़ी भवन या पंचायत या स्कूल बिल्डिंग को भी यूज़ करते हुए उनको है ना हम लोग को क्वारंटाइन में रखना है। और डिटेल्स है ना कलेक्ट करके रोज़ है ना जिला पंचायत के माध्यम से हम लोग कलेक्ट करने के लिए शुरू किए हैं, उसको लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे कि ना ट्रेन्स भी आ रही है, उसमें भी हम लोग लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मतलब कौन ट्रेन से आ रहा है। सो लॉकडाउन पीरियड में हम लोग कोशिश करेंगे कि सिटी बस सर्विसेज के माध्यम से उनको है ना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है ना दिया जाए, अदरवाइज़ है ना जनरली आज ही लॉकडाउन है, कल से रीवा वापस है ना चालू होगा, तो कितने भी लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ तो मिलेगा बट उनको नाम पूरा है ना चीज़ें है ना नोट करेंगे। सर, 95 मरीज मिल रहे हैं संक्रमित, तो क्या लॉकडाउन के लिए अभी आगे क्या बढ़ाने की स्थिति है, क्या किस तरह के विचार चल रहे हैं? नहीं, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट है ना कमेटी का ना मीटिंग हुई है, उसमें लगातार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किए हैं। आर्थिक गतिविधि और है ना लोगों की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस निर्णय लिया गया है कि ये 2 दिन है ना लॉकडाउन किया जाएगा, और लगातार हम लोग है ना जागरूकता अभियान